तो हम आप पहुंच चुके हैं यहाँ भांडियार, जो यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क के नाम से मशहूर है ये भांडियार में। अब हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ बहुत भीड़ है लोगों की। आज बारिश भी हो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश भी अब थम गई, अब धूप निकलने वाली है। अब हम इंशाल्लाह अभी झूला भी झुलाएंगे, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो। ये देखिए, यहाँ से कैमरा लीजिए, तो गाइज आज हम निकले हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला है, सेकंड ईद पे घूमने। आज हमारे साथ कुछ नए फ्रेंड भी हैं और पुराने फ्रेंड भी साथ हैं। अब मैं पहले कुछ अर्ज करूंगा इस घूमने के बारे में, इस वैली के बारे में, उसके बाद हम मिलते हैं यासिर से। अर्ज किया है, अर्ज किया है, सैर कर गाफिल दुनिया की फिर ये जिंदगी कहाँ, सैर कर गाफिल दुनिया की फिर ये जिंदगी कहाँ, जिंदगी अगर रह भी जाए तो ये नौजवानी कहाँ। न थके है पाऊँ कभी, ना ही कभी हिम्मत हारी है, न थके है पाऊँ कभी, ना ही कभी हिम्मत हारी है, हमने देखे हैं कहीं दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो गाइस अब हम मिलते हैं मीर यासिर से, इसका नज़रिया देखेंगे। यहाँ ये जो चिल्ड्रन पार्क है, इसकी नज़रिया यहाँ क्या, इसकी फीलिंग आज कैसी है ईद पे, तो मिलते हैं मीर यासिर से। मीर यासिर अपना नज़रिया बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ वैली फाइंडर्स के साथ। रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, अब यहाँ पहुँचे चिल्ड्रन पार्क में, यहाँ पर बारिश बंद है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, झूले भी लगे हैं, और देखो एक्सप्लोर करो हर जगह। हम वीडियो पे आप कंटिन्यू रहना, इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे इस चिल्ड्रन पार्क को जो यहाँ भांडियार में वाक़ है। तो हमारा मकसद ही यही होता है, बाय डिस्कवरिंग नेचर यू डिस्कवर यूर सेल्फ, वैल्यू को डिस्कवर करना। आप तक यहाँ की जो यहाँ का नेचर है, यहाँ का मौसम है, यहाँ का सीन है, यहाँ की सीनरी जो है वो आप तक पहुँचाना, और जो यहाँ का सीन जो भी हम देखते हैं यहाँ से वो आप तक पहुँचा दें। आप फिलहाल हमारे साथ कंटिन्यू रहना, इंशाल्लाह आपको बाद में और भी व्यू यहाँ का दिखाएंगे, और जो ये झूले वूले हैं उनको भी झुलाएंगे, उसका भी बैकग्राउंड दिखाएंगे, उसका भी व्यू दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आप कंटिन्यू हमारे साथ रहना। Lost your mind, need the light to recover. I swear we're headed on in better days, and the sun will come up again. As you brought me the sun. So guys, finally हम enter कर चुके हैं पार्क में। ये आप देख सकते हो background में, यहाँ पर कितने झूले हैं, लोगों की भीड़ भी होगी, क्योंकि आज मौसम जो वेदर थी वो वेदर कंडीशन ठीक नहीं थी, इस वजह से भीड़ थोड़ी सी कम है। लेकिन अब मौसम ठीक हो गया है, अब लोगों का आना भी शुरू हो गया है यहाँ से। आप गाइस देख सकते हो ये बैकग्राउंड में कितनी खूबसूरत व्यू आ रही है, ये देख सकते हो, ये आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर कितने झूले हैं, बहुत ही मज़ा है यहाँ पर गाइस। तो गाइस अभी हम जीता है हमने, तक ये 10-20
दस बीस रिंग लिए थे वो सब हार गए। अब हम इंशाल्लाह इस झूले पर चढ़ेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में इसी झूले को झुलाएंगे इंशाल्लाह, इसमें मज़ा आएगा। अब आपको इसी का सीन दिखाएगा, आप वीडियो पे कंटिन्यू फिला रहना। ओके तो गाइस हम अभी वेट कर रहे थे दोस्त की, ये भी आए हैं गाड़ी में जैसा कि आप देख रहे हो। बट तारिक भी आ गया गाड़ी में। बट तारिक कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही मजा है, बहुत एंजॉय भी हो रहा है। और व्यूअर्सों को ये ईद मुबारक नहीं कहोगे? सब व्यूअर्सों को वेली वेली प्लैनर्स की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। और कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर इस पार्क में? यहाँ बहुत ही मजा है, ऐसा पार्क ही नहीं देखा है जिंदगी में। और हम क्या करेंगे, हम ऑफिस का वेट कर रहे थे। एंजॉय करेंगे, झूले झूले में चढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे, झूले में चढ़ेंगे। ठीक है, रोड कैसा था? रोड बढ़िया था, बहुत बढ़िया। टाइम ही नहीं लग गया, खाली एक घंटा लग गया यहाँ तक चलने में। अभी वीडियो पे कंटिन्यू रहना, आप हम टिकट लेके यहाँ से झूले के लिए झूला झुलाएंगे, उसके बाद बैग भी दे सकते हो इस पार्क की। कितनी खूबसूरत पार्क है ये चिल्ड्रन पार्क, यहाँ जो यहाँ बानियार में है। आप ये देख सकते हो खूबसूरत माउंटेनस पीछे से बैकग्राउंड में, ये बिल्कुल पड़ती है यहाँ पीर पंजाल ब्रिज के सामने है ये पार्क। आप ये देख सकते हो, झूला भी देख सकते हो कितना खूबसूरत है। और यहाँ लोगों की भीड़ भी देख सकते हो, कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे। टाइम हो गया दोस्तों। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने झूला भी झुलाया है। मैं तो पहली बार पढ़ रहा था झूला झुलाते झुलाते, क्योंकि मैं डर रहा था, फर्स्ट टाइम इस झूले पे चढ़ना था, इस वजह से थोड़ा हार्ट बीट भी होती है ज़्यादा। तो गाइस अब यहाँ से निकलने का टाइम आ रहा है, अब हम इंशाल्लाह दूसरे पार्क में जाएंगे जो इको पार्क के नाम से ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो अब मिलते हैं भाई आपको, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखना। यासिर भाई कैसा मजा आया आज? बहुत मजा आया झूले पे। कैसा मजा आया? बहुत फील हो रहा। मैं क्या कर रहा था झूले पे? मैं झूले पे क्या कर रहा था? ये कलमा पढ़ता था मैं तो गाइस, कलमा पढ़ रहा। और रमीज भाई आप क्यों झूले पे नहीं चढ़े हो? इंशाल्लाह अगली बार में चढ़ूंगा। इस टाइम क्यों नहीं चढ़े आप? जरा गाइस को बोलो अभी क्यों नहीं चढ़े आप? तो रानी भाई बिल्कुल डरे यार, रानी भाई झूले पे नहीं चढ़े, लेकिन बोलता है अगली बार इंशाल्लाह चढ़ेगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ इको पार्क में, जो यहाँ फेमस है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। बदकिस्मती की वजह से यहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ बारिश हुई है, इस वजह से यहाँ भीड़ कम हो गई है। लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है वो तारीफों के काबिल हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत है ये जो ये पार्क है, ये पहाड़ों के दामन में है। यहाँ पर बहुत मज़ा है, यहाँ पर बहुत पब्लिक आती है, फैमिली के साथ भी आती है, दोस्त फ्रेंड्स भी आते हैं आपस में। और गाइस यहाँ पर इंजॉय के लिए ये अच्छी चीज़ है। तो गाइस अब हम शायद इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि अब शाम का टाइम भी होने वाला है। अब हम घर निकलेंगे, घर की तरफ निकलने की तैयारी करेंगे। अगर गाइस आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से किसी भी सीन से पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और साथ ही में कमेंट भी करना, और साथ ही साथ हमारी चैनल सब्सक्राइब भी करना, जिसका नाम है वैली फाइंडर्स। Oh,
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहे, और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हम मजीद मालूमात